बेसिकली लूसिड अगर फाइनल लेक्चर से कंपेयर करते हैं, सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि हाँ, आई जस्ट नाउ रिमेम्बर इट, जब मैंने यूनिवर्सिटी फिजिक्स पे एक बुक रिव्यू बनाया था, देन आई सेड इन दैट वीडियो कि अगर मुझे इस बुक को रेट करना हो, आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9 of 10। एंड रिगार्डिंग दैट सो मेनी पीपल कॉमेंटेड, इवन जब मैंने आइंस्टाइन की बुक पे रिव्यू बनाया था, सो देर वॉज दिस गाय हु कॉमेंटेड आइंस्टाइन की बुक को मत बोल देना 9 of 10। सो इन आई डेंट मीन इट इन एनी नेगेटिव सेंस, रादर मैं बेसिकली बस इसकी थियोरिटिकल पार्ट को या फिर समथिंग लाइक इसकी अंडरस्टैंडिंग को कंपेयर करना चाहता था। एंड एक पॉइंट मैंने कहाँ पे काटे, आई डेंट टेक ऑफ एनी पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि एक पॉइंट इस बुक का ये पार्ट अच्छा नहीं है तो आई टेक अवे 1 पॉइंट। आई डेंट मीन इट इन दैट वे, जस्ट कि इट डेंट मैच टू बेसिकली माई वाइब एज मच एज फाइनल लेक्चर्स डिड। तो आई रियली लव यूनिवर्सिटी फिजिक्स अ लॉट एंड आई एम ऑलरेडी लविंग क्रेन अ लॉट, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टिल मैंने जितनी भी फिजिक्स के टेक्स्ट बुक्स पढ़ा, और ज्यादा यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा मोर प्रॉपर वर्ड बुक पढ़ा, जितनी भी फिजिक्स की बुक्स पढ़ा, क्योंकि फाइनमैन लेक्चर से कम्प्लीटली एक टेक्स्ट बुक आप नहीं कह सकते हो। फाइनमैन लेक्चर से समथिंग दैट आई हैव रियली लाइक द मोस्ट। तो अगर मैं बात करूँ इस बुक को, अगर आप रेसनिक हैलिडे क्रेन को पढ़ते हो, एंड आई कैन ऑलरेडी से दैट दिस प्रेडी फॉर्मली कि अगर आप रेसनिक हैलिडे क्रेन को पढ़ते हो एंड उसके साथ ही साथ आपने फाइनमैन लेक्चर्स को पढ़ लिया, सो यू विल रियली हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिक्स। कंप्लीट नॉलेज फिजिक्स की किसी के पास नहीं होती है, लेकिन आपके पास एक अच्छी अंडर ग्रेजुएट लेवल की नॉलेज होगी फिजिक्स की, एक इंट्रोडक्टरी अंडर ग्रेजुएट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्वियसली होगी कि आप इनफ इंट्रोडक्टरी लेवल पे यू कैन क्लेम यू हैव दैट नॉलेज, एंड एक बहुत ही अच्छी आपको इंट्यूटिव अप्रोचेस मिल जाएंगे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो आई कैन से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स दैट कैन बी मेड, रेसनिक हैलिडे क्रेन एंड फाइनमैन लेक्चर्स, क्योंकि इसमें इसमें के प्रॉब्लम्स रियली में अच्छे हैं, सम आर रियली।